मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टेक सुवरो में। आज हम बात करने वाले हैं OnePlus के न्यू अपकमिंग सेट OnePlus 10 Pro के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आपको 6.7 इंचेस का एक LTOP Fluid 2 AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल जाता है। इसका रिफ्रेश रेट है 120Hz, इसका पीक ब्राइटनेस है 1300 nits और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोडक्शन के साथ आता है। इसका पिक्सेल डेंसिटी है 526 PPI। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। अब आता है इस फोन के कैमरा पे। इस फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और भाई ये कैमरा सेटअप ना जायंट कैमरा सेटअप है। चलिए देखते हैं। प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f1.8। इसके बाद आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.2। इसके बाद आपको एक टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। इसके साथ साथ आपको इस फोन में डुअल एडिटिव फ्लैश भी मिल जाता है और ये कैमरा 8K 30fps तक वीडियो को शूट करता है। अब आते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा पे। इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसका एपर्चर है f2.2 और ये कैमरा 180p 30fps तक वीडियो को शूट करता है। ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और इस फोन में आपको ऑक्सीजन OS 12 दिख जाता है। अब आते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस पे। इस फोन में लगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका एक कोर 3.00 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक किया है कॉर्टेक्स X2 के साथ और तीन कोर आपको मिलता है 2.00 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक किया हुआ कॉर्टेक्स A710 के साथ और चार कोर मिलते हैं 1.80 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक किया हुआ कॉर्टेक्स A510 के साथ। इसमें आपको GPU मिलता है एड्रिनो 730। भाई लोग, इस फोन में गेम खेलने का जो मजा आएगा ना, आप लोगों को क्या ही बताऊं। चलिए अब आते हैं इस फोन के बैटरी पे। इस फोन में आप 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और ये 80 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 50 वाट तक फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन में आपको USB टाइप सी मिल जाता है। अब आता है इस फोन के रैम एंड स्टोरेज पे। ये फोन आप लोगों को तीन वेरिएंट में मिल जाता है। एक वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आपको स्टोरेज टाइप मिल जाता है UFS 3.1। इस फोन में रैम टाइप मिलता है LPDDR5। इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है। 3.5mm जैक इसमें नहीं मिलेगा। ये फोन 5G सपोर्टेड है और इस फोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। ये फोन चाइना में जनवरी 2022 को लॉन्च होने वाला है। इस फोन का अभी भी ग्लोबल में कोई भी लॉन्च डेट सामने नहीं आया है, लेकिन मार्च या अप्रैल के महीने में शायद ये फोन ग्लोबल में लॉन्च हो सकता है और इस फोन का एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है 68,990 rupees। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल में नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के और भी नए वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए आप लोगों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।